अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर समरणालय स्थित धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने एवं बाढ़ की समस्या को स्थायी निदान करने हेतु अन्य मांग को लेकर के जिला समरणालय स्थित धरना प्रदर्शन किया गया। फैसला के अनुसार किसानों के मांग को लेकर आज हम लोग दरभंगा में आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है बाढ़ सूखा बिजली संकट का स्थायी निदान, कोसी कमला बागमती के उद्गम स्थल बड़ा क्षेत्र सीसा पानी नोनसर में हाई डैम निर्माण बना कर भागरा नांगल नदी की तरह बाढ़ सूखा का स्थायी निदान किया जाए। सभी बाढ़ पीड़ितों को समान रूप से बिना भेदभाव के राहत दिया जाए। सभी क्षेत्रों को, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बिना राजनीतिक भेदभाव के बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए और बाढ़ में क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा दिया जाए। आज स्थिति यह है, जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बिहार में बंद है, जिसमें 25,000 प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान है। यहाँ बिहार सरकार किसान सहायता बीमा योजना दे रही है, जिसमें 7,000 प्रति हेक्टेयर देने का, उसमें भी फसल को देने का राइट है, प्रावधान है। जबकि फसल बीमा योजना में अगर प्राकृतिक कारणों से खेत में फसल नहीं लगा तब भी उसको फसल बीमा योजना देना चाहिए, लेकिन यह बिहार में लागू नहीं है। आज स्थिति यह है, दरभंगा में 5-5 जगह कमला का नदी टूट गया, लाखों परिवार विस्थापित होकर पड़े हुए हैं, किसी को अभी तक पन्नी नहीं दिया गया है छावनी के लिए, अभी तक 10% आदमी को भी राहत नहीं पहुंच पाया है। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन अविलंब राहत मुहैया करे, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन होगी। राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान संघ। किसान समन्वय समिति के आह्वान पर तमाम हिंदुस्तान के तमाम समाहरणालय पर कृषि संकट दूर करने, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करने, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान करने की मांग को लेकर जुझारू प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हम बताना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले बार वादा किया था, तो हम स्वामीनाथन के आयोग के रिपोर्ट को लागू करेंगे। अब यह सरकार इस रिपोर्ट को लागू करने से मुकर रही है। दूसरी तरफ आप जानते हैं, जो पूरा दरभंगा जिला समेत पूरे राज्य में बाढ़ सुखाड़ का समस्या है। सरकार ने कहा था कि हम बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान करेंगे, लेकिन अभी तक बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान नहीं हुआ है। दरभंगा जिले में आज जो बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का वितरण होना चाहिए, पोलोथीन मिलना चाहिए, चूरा मिलना चाहिए, नाव मिलना चाहिए, ये पूरा का पूरा विफल है। दरभंगा जिला का प्रशासन, पूरा राज्य सरकार विफल है। आज भी बाढ़ पीड़ितों के खाते में रुपये नहीं जा रहे हैं। पिछले सूची के आधार पर आज रिलीफ बंटवारा की बात हो रही है। हम लोग मांग करते हैं, जो सभी बाढ़ पीड़ितों को सरकारी घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत मिले, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट लागू हो, क्योंकि आज कर्ज में किसान दबे हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या को रोकने के लिए, कृषि संकट को दूर करने के लिए आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना जरूरी है। श्याम भारती, दरभंगा जिला किसान सभा, जिला मंत्री। तमन्ना हुई है 2019, इसमें जो प्रशासन के द्वारा जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जहां पीड़ित है उनको उससे वंचित किया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है, हम लोग मांग करना है कि कम से कम बात के नाम पर राजनीति को रोका जाए। अहमद अली तमन्ने, पूर्व अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। जो दरभंगा जिला के हालात है बहुत खराब, पिछले बार पानी नहीं हुआ, पूरा जिला पानी के पीने के लिए तरस गया, पीने के लिए पानी नहीं था, आपने कोई इंतजाम नहीं कर सके। बिहार सरकार का जल नल योजना, 7 निश्चय योजना, 7 कमीशन खोरी में फंसा हुआ है और बड़े पैमाने पर उसमें लूट हुई है, व्यापक भ्रष्टाचार है, इसलिए जल संकट यहाँ है। एक स्टेट बोरिंग आप नहीं गाड़ सके, नया स्टेट बोरिंग जो बंद है पुराना उसको आप चालू नहीं कर सके। एक नहर 70 बरस के आज़ादी के बाद
दरभंगा जिला में एक नहर का इंतजाम नहीं हो सका, हमको आपने सड़क पर छोड़ दिया और पूरा बांध टूट गया। कहाँ था आपका जल प्रबंधन, कहाँ था आपका इंजीनियर, कहाँ है स्कूल टीम इंजीनियर? कोई कार्रवाई उस सब पर नहीं हुई और हम लोग पानी में डूब गए। इसलिए दरभंगा प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं, जैसे जो पदाधिकारी जिसके नेतृत्व में यह बांध टूटा और जिस रूप से आपने कहा था, जो पूर्व तैयारी हमारी हो गई, एक कणवा पानी दरभंगा जिला के जनता के बीच में नहीं जाएगा, तो आप इसकी जांच कीजिए और जांच कर कार्रवाई। ललन चौधरी, अध्यक्ष बिहार। Yeah.